आपको याद होगा कि आपने एक चिरकुट का तो आज लिया भी है, वही जो नोएडा के एक बिस्कुट कंपनी के मालिक को, जाते जाते जरा सा इस पे भी थोड़ी दो लाइन दे हाँ दीजिए सर, कि नोएडा के हाँ बिस्किट कंपनी के मालिक को इसने चैनल खुलवा दिया, और तो कहा कि नोएडा से तुम्हें मैं टिकट दिलवा दूंगा, बेचारा मर भी गया वो, इसने इन इन चिरकुटों ने क्या कुछ चाटा। आपको याद होगा केजरीवाल को बहुत क्रांतिकारी करके क्या, और ये लोग, ये विद्वान को देखिए कि सर ये आंकड़ेबाज को देखिए, आज इसको हाँ बहुतों ने जुतियाया है सर कि तुम्हारे ऊपर पलट, मैंने भी कुछ लिखा है इसके, ये इसने लिखा आंकड़ा था, पूरा खेल। हाँ इसने लिखा था कि मैं 16 पूरा खेल है 16,500 करोड़ का, सामने आया है 12,700 करोड़ का, जो छुपा है 3,700 करोड़ का, इतना कह के इसने छोड़ दिया था। तो मैंने इसको जो ट्वीट लिखा है वो बता दूं कि दिमाग के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसी उलूल जुलूल पहेलियां सवाल दिमाग की बहुत खराब हालत को बता रही है। निराशा जनित कुंठा और अवसाद ऐसी मानसिक विकृतियों को जन्म देता है, इसलिए घबराओ नहीं, इलाज कराओ, अगर नहीं कराओगे तो हाथ में पत्थर लेकर कराट प्रेस में लोगों को दौड़ाने लगोगे। ये मैंने इसको टैग करके लिखा है, तो ये इसी लायक है, और वास्तव में इसकी मानसिक स्थिति। 24 के बाद बहुत सारे लोग जो है पत्थर लेके नजर आएंगे कनॉट प्लेस में, ऐसा लग रहा है। हाँ, पुलिस लगानी पड़ेगी इन लोगों के लिए, पुलिस पुलिस लगानी है कि कराट प्लेस में आजकल पागल बहुत घूमने लगे हैं, जो लोगों को पत्थर मार रहे हैं। एक मनीष जी, ये कनॉट प्लेस, और दूसरे वो आईएनएस बिल्डिंग, आईएनएस बिल्डिंग ये वामपंथियों का बड़ा भारी अड्डा है, एक आईएनएस बिल्डिंग, और दूसरे वो मंडी हाउस के सामने वाले जो फुटपाथ है पेड़ के नीचे, वहां गांजा वांजा चला करता है। तो ये दो तीन अड्डे हैं, और यहाँ पर यहाँ पुलिस लगानी पड़ेगी कि ये पागल आते हैं पत्थर मारते हैं, इनको रोको। ये तो मुझे लग रहा कि गृह मंत्री जी तक ये बात पहुंचे कि भैया दिल्ली की सुरक्षा तो योगी जी करने आएंगे नहीं, तो ऐसे ऐसे हाँ पत्थरबाजों पर नजर रखने की, भाई जब कश्मीर में आपने पत्थरबाजों पे कंट्रोल कर लिया तो दिल्ली में ऐसे हाँ पागलों को 24 के चुनाव के बाद ऐसी संख्या बहुत बढ़ने वाली है।